वो यहाँ तो चाय की पत्ती भी नहीं है। आई होप मुराद नहीं भूलेगा। सब खैरियत हो? पता नहीं वापस क्यों आ गया। जानू तुम कुछ भूल गए हो क्या? तुम यहां क्या कर रहे हो एम्ब्रे? मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। देखो मुराद आ जाएगा, वो मार्केट तक ही गया है। अगर उसने देख लिया कि तुम यहाँ हो। डरो मत, मैं कोई प्रॉब्लम खड़ी करने नहीं आया। पर तुम यहाँ तक आकर पहुँचे कैसे? किसी को नहीं पता कि हम यहाँ हैं। बस पहुँच गया। कैसे पहुँचे? ये आजकल की टेक्नोलॉजी बहुत कमाल है, जैसे कि GPS नामी डिवाइस हर चीज की लोकेशन बता देती है। और मुझे वैसे भी दुश्मनों का पीछा करना बहुत पसंद है। दफा हो जाओ तुम यहाँ से। हयात, मैं चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मालूम है तुम सुनना चाहोगी जो मैं कहना चाहता हूँ। तुम फिर से क्या जहर घोलने आए हो? तुम जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। मैं कहीं नहीं जाऊंगा बिना तुम्हें कुछ बताए। देखो, मैं जानता हूँ तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगी जब तुम ये लिफाफा पढ़ लोगी। लो, ले लो और अभी पढ़ो इसे। वैसे भी मैं तुम्हारा हनीमून क्यों खराब करूंगा। हाँ, ले लो। सुनिए, आपसे एक बात मालूम करनी थी। वो समंदर किनारे एक घर है, देखा है आपने? सफेद से रंग का है। जी हाँ, देखा है। फिलहाल अभी खाली है वो। आप उसके मालिक को जानते हैं? जी हाँ जानता हूँ, आते हैं कभी कभी यहाँ। शुक्र है। क्या आप मुझे उनका कोई एड्रेस या फोन नंबर दे सकते हैं? ठीक है, अभी देता हूँ। इस रिपोर्ट में कुछ हकीकत नहीं है, ये चाल है तुम्हारी। मैं बेवकूफ नहीं हूँ कि तुम तक जाली रिपोर्ट लेकर आऊँ, समझी? हनीमून से वापस आकर पता कर लेना, फिर तुम्हें यकीन आ जाएगा रिपोर्ट्स असली हैं। मैं भी शौक हुआ था, पहले मुझे भी शक था, लेकिन अभी ये बहुत बुरा हुआ है। दरअसल ये हमारे बीच राज है, सिर्फ अभी तक। अगर तुम चाहो तो ये रिपोर्ट्स अभी फाड़ सकता हूं मैं। इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो तुमने वादा किया था उस पे कायम रहो बस, और सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चलो मेरे साथ। दफा हो जाओ यहाँ से। फिर सोच लो तुम क्या कर रही हो। जरूरत नहीं मुझे, जाओ। ओह, समझ गया। तो तुम मुराद सर सलमास की जिंदगी अपने हाथों से तबाह करोगी, है ना? देखो, मैं तो उसका मजाक जरूर उड़ाऊंगा। क्या तुम हैंडल कर पाओगी हयात? और वो भी उस आदमी का जिससे तुम मोहब्बत करती हो। मुझे तो उसकी किस्मत पे तरस आ रहा है। फिर सोच लो हयात, बर्दाश्त कर लोगी ना? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। हयात, छुरी नीचे फेंक दो और हौसला रखो। दफा हो जाओ इससे पहले मेरा सबर जवाब दे। तुम कातिल नहीं हो, तुम जानती हो ये बात, और तुम ये मेरे साथ कर ही नहीं सकती। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर अपने आप को तो मार सकती हूँ। छुरी नीचे फेंक दो हयात। फेंक दो हयात। तुम अब तक यहां खड़े हो, जाओ यहां से। ठीक है, जा रहा हूं मैं। तुम जीत गई। अगर तुमने मेरी कंपनी में मेरे साथ काम नहीं किया तो मुराद को ये रिपोर्ट दिखा दूंगा। निकलो यहां से। देखो, मुझ पर चीखो मत हयात, मैं कुछ नहीं कह रहा। इस वक्त बॉल तुम्हारे कोर्ट में है। हाथ दो और ये फोन तुम रखो, इसमें सिर्फ मेरा नंबर है। अगर तुम्हारा फैसला बदल जाए तो मुझे कॉल कर देना।
आज बाहर का मौसम बहुत अच्छा है, तुम भी साथ चलती तो मजा आता। क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो? चलो यहाँ से मुराद। क्यों, तुम्हें तो ये बहुत पसंद आया था, तुमने खुद ही तो कहा था यहीं रहते हैं, यहीं दुनिया बसाते हैं। मैं परेशान हो गई हूँ, यहाँ तो चाय भी नहीं बना सकती हूँ। हाँ तो उसके लिए मैं सारा सामान लेकर तो आ गया हूँ। हयात इधर देखो मेरी तरफ, क्या हुआ है बताओ। कुछ भी नहीं, तुम्हें देर हो गई थी इसीलिए। मेरी शहजादी। अच्छा बाबा, मैं आइंदा तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाऊंगा, यहां तक के सौदा लेने भी नहीं। हाँ एक बात और, हम यहाँ किराए पर रह सकते हैं। अच्छा वो कैसे? यहाँ के मालिक का नंबर मिल गया है, मैंने उसे फोन किया और उससे बात की है, उसने कहा है जितने दिन चाहे हम रह सकते हैं। ठीक है तो फिर हम दोनों यहीं रह लेते हैं, चलो नाश्ता कर लेते हैं, भूख से बुरा हाल हो रहा है मेरा। ओह